Hello everyone, I am Dr. Vishal Redu, Assistant Professor of English, Government College Alewa, Jind. आज का हमारा टॉपिक है Inhumanization of War, written by Huck Gutman. कि आज हम डिस्कस करेंगे Huck Gutman के द्वारा लिखा गया ऐसे Inhumanization of War, कि युद्ध की निर्दयता के बारे में Huck Gutman ने अपने इस ऐसे के अंदर क्या बताया है. तो ऐसे पर जाने से पहले हम ऑथर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. ऑथर Huck Gutman वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मंट. वर्मंट यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में वो कार्य कर रहे हैं. ही वॉज विजिटिंग प्रोफेसर एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 2001. 2001 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया. डिलीवर्ड लेक्चर इन इजिप्ट, लिथुआनिया, पोर्तगाल एंड ट्यूनिशिया. क्या अनेक देशों में उन्होंने अपने लेक्चर दिए, इजिप्ट, लिथुआनिया, पुर्तगाल और ट्यूनिशिया. एंड दिस पर्टिकुलर एसे इनह्यूमेनाइजेशन ऑफ वॉर वॉज पब्लिश इन द स्टेट्समैन, अ वेरी रेप्यूटेड newspaper of English after the war in Afghanistan in 2001. 2001 में जो अफगानिस्तान में युद्ध चला, अमेरिकी सेनाओं ने जो वहां पर कार्य किया, कि उसके बाद उन्होंने ये ऐसे लिखा था और वो भारतीय न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन के अंदर 2001 के युद्ध के पश्चात छपा. अब हम बात करते हैं कि इस ऐसे में राइटर किन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा है, किन चीजों के बारे में बता रहा है. ग्रोथ ऑफ मैकेनाइजेशन इन वारफेयर. राइटर पूरे एसे के दौरान जिस चीज पर बात कर रहा है वो है वार और वारफेयर, युद्ध और युद्ध में प्रयुक्त होने वाला जो सामान है कि उसमें किस प्रकार से मशीनों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कि मशीनों का लगातार बहुत अधिक प्रयोग युद्ध के अंदर किया जा रहा है. राइटर सेज वार वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड. कि राइटर के अनुसार, Huck Gutman के अनुसार, आज के जो युद्ध हैं कि उनके अंदर मशीनों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाने लगा है. मशीन्स वर चेंजिंग द वेज ऑफ वॉर इन द बैटलफील्ड इवन इन द पास्ट. कि बहुत लंबे समय पहले से ही युद्धों के अंदर, युद्ध मैदान में मशीनों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है और इसने युद्ध के तौर तरीकों को बिल्कुल संपूर्ण रूप से बदल दिया है, चेंज कर दिया है. अब हम बात करें हीरोइज्म एंड ट्रैपिंग्स ऑफ द वॉर इज रिप्लेस्ड बाय द टेक्निकल मशीन्स. कि चाहे युद्ध शौर्य की हम बात करें, चाहे युद्ध के अंदर प्रयोग होने वाले सामान की अगर हम बात करें, उसने उसका स्थान किस चीज ने ले लिया है, बड़ी बड़ी मशीनों ने. बड़ी बड़ी मशीनों का युग जो है अब आ गया है और युद्ध में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग ज्यादा किया जाने लगा है, ऐसा राइटर Huck Gutman हमें बता रही है. अब राइटर ने इस एसे के अंदर दो बड़े और फेमस पोएट्स का जिक्र यहां पर किया है, उनके ओपिनियंस को यहां पर इस एसे के अंदर उन्होंने लिखा है. तो पहले जो पोएट हैं वो हैं विटमैन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विटमैन का क्या ओपिनियन है वार के बारे में, जो इस एसे के अंदर बताया गया है. ही रोट अबाउट अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861-65. कि अमेरिका के अंदर जो सिविल वॉर चला 1861 से लेकर 1865 तक, विटमैन ने उसके बारे में बहुत लिखा है. और विटमैन का खुद का अपना एक्सपीरियंस था उस युद्ध को लेकर जो अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चला 4 साल तक, उसके बारे में विटमैन क्या बताते हैं. ही इज फुल ऑफ कंपैशन, सफरिंग एंड लॉस इन द वॉर. कि खुद उन्होंने दुख और तकलीफ को, नुकसान को उन्होंने इस सिविल वॉर के अंदर खुद महसूस किया है. उनका खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और लगभग 4 साल तक लगातार युद्ध के दौरान उन्होंने नर्स के रूप में वहां पर उस युद्ध के अंदर अपने देश में काम किया है. तो उनका खुद का बड़ा एक्सपीरियंस रहा युद्ध को लेकर. ही सॉ द पेन एंड सफरिंग हिमसेल्फ. क्योंकि उन्होंने खुद इन चीजों को अनुभव किया था
एंड ओनली एम्फेसाइज द हॉरर ऑफ द वार। उन्होंने जितना भी अपने लेखन के कार्य किए उन्होंने किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया, हॉरर ऑफ द वार, कि युद्ध कितना भयानक होता है, उसके परिणाम कितने भयानक होते हैं, इस चीज पर उनका विशेष जोर रहा। दूसरे जो कवि हैं, दूसरे जो पोएट हैं, वो है मेलविले, कि उनका वार के बारे में क्या ओपिनियन था, जो राइटर हग गटमैन यहां पर बता रहे हैं। ही थॉट अमेरिकन सिविल वॉर ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री। उनका ये मानना था कि अमेरिका के अंदर जो 4 साल तक लगातार जो सिविल वॉर चला, कि वो पूरे विश्व के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। ही सॉ द वॉर एंड फेल्ट इट्स पेन। कि मेलविले ने भी खुद वार को, उस युद्ध को बड़े नजदीक से देखा और उसकी दुख और तकलीफ को स्वयं महसूस किया। ही रियलाइज दैट द वॉर हैज बिकम हाईली मैकेनाइज्ड एंड वॉरियर्स आर ओनली ऑपरेटिव। कि योद्धाओं का अब युद्ध के अंदर कोई काम नहीं है, ऐसा उन्होंने महसूस किया, क्योंकि योद्धाओं का स्थान किसने ले लिया युद्ध मैदान में, बड़ी बड़ी मशीनों ने। विशेष तौर पर उन्होंने जिक्र किया अफगानिस्तान के युद्ध का। इन द वॉर ऑफ अफगानिस्तान अमेरिकन एयरप्लेन्स ड्रॉप्ड स्मार्ट बॉम्ब्स गाइडेड बाय कंप्यूटर एंड लेजर। कि दूर सुरक्षित जगह पर बैठकर किस प्रकार से अमेरिकी जहाजों ने अफगानिस्तान के अंदर जो युद्ध चला, कि कंप्यूटर और लेजर का प्रयोग करके बड़े बड़े बॉम्ब्स को उन्होंने गिराया। ड्रोन प्लेन्स लोकेटेड द एनिमी एंड फायर एट हिज पोजिशन। कि जो उनके ड्रोन प्लेन्स थे, उन्होंने दुश्मन को सबसे पहले ढूंढकर निकाला और फिर उसकी स्थिति को देखकर वहां पर अटैक किया। अमेरिकन फोर्सेस यूज्ड डिस्टेंस मैकेनिज्म ब्रिंग्स डाउन ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन विदाउट सिंगल कैजुअलिटी। सबसे विशेष बात इस युद्ध की क्या रही, कि अमेरिका की जो सेनाएं थी उन्होंने दूर बैठकर मशीनों से इस कार्य को किया, बहुत विनाश उन्होंने दुश्मन का किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि एक भी सैनिक को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ही ऑल्सो रियलाइजेज दैट द पोस्ट मॉडर्न वॉर कैन बी फॉट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन विद रॉबोट्स एंड स्मार्ट बॉम्ब्स। कि मेलविले ने यह भी महसूस किया कि आगे आने वाले जो आधुनिक युद्ध होंगे, उसमें सेनाएं आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ेंगी, कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर रोबोट और स्मार्ट बॉम्ब्स के साथ युद्ध लड़े जाएंगे, और ये बहुत ही खतरनाक बात होगी, और इसके जो परिणाम होंगे वो कितने भयावह होंगे, ये हम सोच सकते हैं। ही ऑल्सो थिंक्स वार्स आर बिकमिंग डिस्ट्रक्टिव एंड मैकेनाइज्ड। कि मेलविले का क्या मानना था कि जो युद्ध हैं अब पहले की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, मशीनों का उसमें ज्यादा प्रयोग होने लगा है और वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हैं, विनाशकारी हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।